बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत डिमांडिंग है, बहुत दिनों से जो है वो पेंडिंग में पड़ी हुई थी। हम लोगों के मेमन ऑथेंटिक कड़ी खौसे की रेसिपी है। मैं इसको थोड़ा सा बर्मीज़ वर्जन में बनाऊँगी। कड़ी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताऊँगी। चलते हैं हमारे किचन की तरफ और शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी कड़ी खौसे। अच्छा, ये देखें यहाँ पे हम जो है वो तकरीबन हाफ़ केजी के करीब मैंने दही ली है कड़ी के लिए। अच्छा देखें, ये जो है कड़ी में डिफरेंट होती है। मेमनी कड़ी जो है वो येलो कलर की बनती है और जो ऑथेंटिक इसकी खौसे की कड़ी है वो कोकोनट के साथ बनती है। मैंने दोनों का मिक्स किया हुआ है। उसमें जो है वो सिर्फ कोकोनट और बेसन डलता है और इसमें जो है वो दही के साथ बनती है। मैं वाइट कलर की बनाऊँगी, विद अपने फ्यूजन के साथ बनाऊँगी, तो आप इसको देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। मैंने इसमें जो है तकरीबन हाफ़ केजी के करीब दही ली है और 3 to 4 टेबलस्पून जो है वो बेसन लिया है। 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है। इसको अच्छी तरह से विस्क करेंगे और इसके अंदर कोकोनट मिल्क डालेंगे, पानी डालेंगे, थोड़े से कड़ी लीव्स डालेंगे और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। ये एक पूरा कैन जो है मैं कोकोनट मिल्क का वो इसमें डालूंगी। इसमें जो है तकरीबन 2 ग्लास के करीब पानी डालूंगी। इसमें हम थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे। ये डंडियों से मैट डालते हैं इसलिए कि इसकी डंडियाँ में जो है ना बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। अच्छा, इस पर आपने यहाँ पे नोट किया होगा मैंने नमक नहीं डाला है और इस स्टेज पे मैं नमक डालूंगी भी नहीं। इसको नमक जो है वो कड़ी में हमेशा आखिर में डलता है, ठीक है? तो बिल्कुल लास्ट में हम इसमें नमक डालेंगे और इसको हल्की आंच पे पकने देते हैं। और इसके बाद अब हम दूसरा प्रोसेस इसके गोश्त का जो है बूटियाँ बनाने का वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम खौसे की बूटी के मिक्सचर पे आ रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो 1/4 कप के करीब ऑयल लूँगी। यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्याज जो है वो इसको बारीक चूरा कर लिया है। ये हम लहसुन अदरक डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। इसमें 2 टमाटर जो है वो चॉप्ड करके डालें। साथ ही इसमें मैं हाफ केजी के करीब गोश्त डाल रही हूँ। ये बोटियाँ मैंने जो है छोटी छोटी काट के रखी हुई हैं बीफ की। आप चिकन मटन जिससे भी चाहें बना सकते हैं। इसमें 1.5 चम्मच जो है वो देगी लाल मिर्च है, आधी चम्मच रेगुलर लाल मिर्च है, आधी चम्मच हल्दी है, 3/4 टीस्पून जो है वो इसमें नमक है और 2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर है। ये भी इसमें डालते हैं, इसको भूनते हैं। इसकी भुनाई अच्छी करेंगे ना तो हीट का कोई इश्यू नहीं आएगा। ये देखें गोश्त हमारा अच्छा सा इसमें इनकॉर्पोरेट हो गए हैं मसाले वगैरह। अब हम पानी डाल के इसको जो है वो पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन जो है वो आधा पौना घंटा लगेगा इसको पकने में। तो इसको जो है हम जब गल जाता है तो फिर दिखाते हैं आप। अच्छा, ये देखें अब हमारी कड़ी पकते पकते इस टेक्सचर पे आ गई है और ये इतनी ही गाढ़ी हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा मुझे थिक नहीं पसंद है, मुझे इतनी ही थिक पसंद है। तो ये बस देखें ये इस तरह की होगी। अब इसमें आखिर में जो है मैं नमक डालूँगी सर्विंग के टाइम पर और फिर जो है वो आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये हमने नूडल्स के लिए पानी बॉयल रखा है। खुले बर्तन में आप पानी हमेशा बॉयल कीजिएगा। यहाँ पर हम 2 से 3 टेबलस्पून के करीब जो है वो ऑयल डालेंगे ताकि हमारे जो नूडल्स हैं वो खिले खिले रहें। और नमक जो है इसमें मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब नमक डालूंगी, इसलिए कि जब फिर हम पानी में डालेंगे ना तो ये सारा निकल जाता है नमक, ठीक है? ये इसको उबाल आ जाता है, हम इसमें नूडल्स डालते हैं और नूडल्स डाल के इसको जो है हमें 80% डन करना है, 80 to 85%। फिर जब ये हम ठंडे पानी में रखेंगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। अच्छा, ये नूडल्स के मैं जो है ना 3 हिस्से करती हूँ। मैंने इसी में से थोड़े से फ्राइंग के लिए निकाले हैं। इसी मुश्किल से जो है 7 to 8 मिनट्स में बॉईल हो जाते हैं। और इसको जो है मैंने जैसे आपको बताया 85% डन कीजिएगा। फिर मैं इसको ठंडे पानी में रखती हूँ तो ये जो है थोड़े से और भी टेंडर हो जाते हैं। अगर 100% कुक कर लेते हैं तो फिर बहुत सॉगी हो जाते हैं वो। अच्छा देखें यहाँ पर इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। और अब इस स्टेज पे हम इसमें जो है तकरीबन 1 कप के करीब दही डाल देंगे और बस इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख देंगे जब तक ये जो है अच्छी तरह से फुल टेंडर हो जाएगा और इसका जो है वो पानी सूख जाएगा। अच्छा, ये हमारा जो है मीट का मिक्सचर तैयार हो गया है। हम देख लेते हैं कितना गोश्त गला है। मेरे हिसाब से गल चुका है। बिल्कुल बेहतरीन गल गया है। और अब हम इसको डिश आउट करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा खावसे तैयार हो गया है। इसको मैंने इस तरह से डिश आउट करा है। यहाँ पे हमने बूटी कड़ी और नूडल्स को सेपरेटली जो है वो डाल के रखा हुआ है। जिसको जिस तरह से चाहिए वो इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई लोग ज़्यादा कड़ी पसंद करते हैं, कोई लोग कम पसंद करते हैं। और इसमें जो लवाजमात होते हैं, जो खौसे की जान है, ओरिजिनली जो खौसे होते हैं उसमें जो है जितनी ज़्यादा कॉन्डिमेंट्स होते हैं वो इतना ही अच्छा लगता है। आपने चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन कोई भी इतने सारे लवाजमात के साथ नहीं बताता है। मैंने सारी डिटेल्स बताई हैं। जिसको जो पसंद है वो भी डाल सकते हैं। किसी को कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, किसी को कुछ पसंद होती हैं। मैंने तकरीबन सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। तो आइए मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे बॉइल्ड एग्स हैं, इसके हमने छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं। ये टमाटर हैं, इसको भी छोटा छोटा काट लिया है। कच्ची प्याज है जैसे हम ऑमलेट कट करते हैं वो है। यहाँ पे हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, हरा धनिया है, चाट मसाला है, मोटी कुटी लाल मिर्च है, फ्राई किया हुआ लहसुन है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, लेमन जूस है। ये जो है खौसे की स्टिक्स थी वो जो है मैंने इसमें फ्राई करके रखी हुई हैं। थोड़ी सी इस तरह से फ्राई करके डालेंगे तो क्रंची जो है बड़े मज़े के लगते हैं। यहाँ पर जो है सारी क्रंची टॉपिंग्स हैं। ये जो है चिली चिप्स हैं, ये आपको बाज़ार में मिल जाते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर जो है वो मैंने लाल प्याज ली हुई, ये ब्राउन अनियन है। ये समोसे की पट्टियाँ जो हैं इनको काट के मैंने फ्राई किया हुआ है। और ये जो है आलू के चिप्स मैंने घर में बनाए हैं। इसको जो है मैंने इस तरह से करा था कि आलू को कद्दूकश कर लिया था अच्छी तरह से और फिर जो है इसको पानी में डाल के हो गए तो फिर मैंने इसको तेल में हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिए और फिर इसके ऊपर हल्का सा नमक डाल दिया। ये क्रंचेज़ हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई क्रंच डालना चाहते हैं जैसे पीनट्स हैं या तो वो भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक सर्विंग के लिए बता दिया है, आइडिया देने के लिए कि किस तरह से सर्विंग करते हैं। एक प्लेट में हमने नूडल्स निकाले हैं, कड़ी निकाली है, इसके ऊपर हमने बूटियाँ डाली हैं। तो ये मैंने आप लोगों को आज वाइट उसके साथ दिखाया है, वाइट कड़ी के साथ, कोकोनट कड़ी के साथ ओरिजिनली ये डलती है। और अगर आप लोग येलो कड़ी के साथ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से बनते हैं। तो वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूँगी अगर आप लोग सीखना चाहेंगे तो। और यहाँ पर मैं सारी टॉपिंग्स थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। देखा आपने मैं जो है इसमें कितनी टॉपिंग्स डालती हूँ और इसको कितना क्रंची बनाती हूँ। मेरा बहुत डिफरेंट का खौसे बनता है और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक बताइएगा और ज़रूर इसे ट्राई करके बताइएगा कि आपका खौसे अगर आपने इस रेसिपी से बनाया है तो आपके घर वालों को कैसे लगा। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।